तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडियन रेल टीवी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नांदेड़ से पूर्णा जंक्शन के बीच रहा हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन की वायरिंग का काम आखिर कितना होने को आ चुका है। नांदेड़ से पूर्णा जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिम्बगांव से चुड़ावा स्टेशन के बीच वायरिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका था, लेकिन दोस्तों अभी ये वायरिंग का काम 100% कम्प्लीटली हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी थी नांदेड़ रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि नांदेड़ से वानेगांव स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन के वायरिंग का काम 100% कम्प्लीटली हो चुका है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि वानेगांव से लिम्बगांव स्टेशन के बीच में भी इलेक्ट्रिफिकेशन की वायरिंग का काम पूरा होने को आ चुका है। Thank you.
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि लिमगांव से चुड़ावा स्टेशन के बीच में भी जो है वायरिंग का काम पूरा होने को आ चुका है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।